हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर, और इसमें हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशू रेट पार। इसी को हम आगे कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल 30 डी के गोयल की बुक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख इन ₹10 शेयर्स। ऑफ दिस 6,000 शेयर वर इशूड फुली पेड टू वेंडर। क्या बोला है कि 6,000 शेयर जो है वो वेंडर को इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदने के लिए। तो 6,000 शेयर फुली पेड, यानी कि ₹10 का एक, तो बिल्डिंग खरीदी 60,000 की। तो इसकी एंट्री तो अलग से हो गई आपकी। देखिए सॉल्यूशन में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। ये आपकी बिल्डिंग परचेज करने की और बदले में शेयर देने की एंट्री हो गई। आप देखिए आगे, 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 6 पर शेयर। 8,000 शेयर पब्लिक में इशू किए हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 1 अलॉटमेंट पर, 1 फर्स्ट कॉल पर और 1 सेकेंड कॉल पर। अमाउंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ दी शेयर वर एज फॉलो। इस तरीके से पैसा मिला, जो नहीं मिला वो नहीं बता रखा, जो मिला वो बता रखा है। ऑन 6,000 शेयर द फुल अमाउंट कॉल्ड। 6,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला, 1,200 पे 5 मिला, 500 पे 4 मिला और 300 पे 3 मिला। डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। डायरेक्टर ने 800 शेयर का फॉरफीचर कर लिया जिन्होंने 5 रुपीज़ से भी कम दे रखा था। तो देखो बच्चों, इस तरीके की एक टेबल बना लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जो जितने की है वो लिख लो, 3 की एप्लीकेशन, 1 की अलॉटमेंट, 1 की फर्स्ट कॉल, 1 की फाइनल कॉल। अब क्या बोला इसमें, 600 शेयर ने सब कुछ दिया तो उसे तो लेना नहीं है, 1,200 शेयर ने 5 दिया। तो शुरू से हम काउंट करते हैं, 3, 4, 5, मतलब कि फर्स्ट कॉल तक मिल चुका, तो आपने 1,200 सेकंड कॉल के सामने लिख दिए। फिर बोला है 500 ने 4 दिया, तो 3 एप्लीकेशन का 1 अलॉटमेंट का इस तरीके से दिया होगा 4, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, दोनों के सामने डाल दिया। 300 शेयर ने सिर्फ 3 दिया, तो 3 तो सिर्फ एप्लीकेशन का है, ठीक है, तो 300 ने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल और ना ही सेकंड कॉल, सबके सामने लिख दिया। अब टोटल कर लो, अलॉटमेंट पर तो 300 शेयर ही जो पैसा नहीं देते, फर्स्ट कॉल पे 800 हो गए और सेकंड कॉल पे 2,000 के थे सब, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 अलॉटमेंट पे नहीं मिल रहे, 800 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल रहे और 2,000 सेकंड कॉल पे नहीं मिल रहे। अब देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 × 3 के हिसाब से, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8,000 × 1 के हिसाब से, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और जो नहीं मिला 300 वो माइनस कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में, या अल्टरनेट में आप ये एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, 8,000 अलॉटमेंट के सामने, 300 जो नहीं मिले बाकी जो मिले वो बैंक में आ गए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 × 1 की ही आई, फिर 800 आपके फर्स्ट कॉल के नहीं मिलते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 × 1 के हिसाब से, फिर आपके ये वाले जो 2,000 रुपीज़ थे वो आपके सेकंड कॉल पे नहीं मिले तो लेस कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि डायरेक्टर्स ने 800 शेयर को ही फॉरफिट किया जिन्होंने 5 से कम दे रखा है। तो देखो 5 से कम ये है 300 और 400, क्योंकि एक ने 3 दे रखा है, एक ने 4, तो ये 800 शेयर हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 × 6 का शेयर था, टू अलॉटमेंट पे 300 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 800 नहीं मिला, सेकंड कॉल पे वैसे तो 2,000 नहीं मिला, लेकिन इनको 1,200 शेयर्स को फॉरफीचर नहीं किया गया इसलिए इनको नहीं लेंगे, तो अलग से 800 बचे उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लो और 4,800 में से ये तीनों लेस करके जो बैलेंसिंग फिगर से आया वो शेयर फॉरफीचर आ गया। तो बच्चों उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल 39, इसमें सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पूछी है। रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर 10 ईच 7.5 पेड, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5,
भाई 10 रुपीज़ का शेयर है, 7.5 उसने दे दिया है और 2.5 के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी। चलो पहले इतना करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 × 10, टू शेयर फाइनल कॉल 800 × 2.5, टू शेयर फॉर फ्यूचर 6000, ये जो मिल गया फॉर फ्यूचर में चला गया। क्या बोला, आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड, इसमें से 600 शेयर रीइशू किए फुली पेड मानते और 2100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो भाई ये वाली एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, और फिलहाल इसे खाली छोड़ दो, अमाउंट को मत डालो अभी। और थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें 2100 डाल दो, क्योंकि ये दे रखा है कि 2100 कैपिटल रिजर्व में डाले। अब इसका वर्किंग नोट देखो, जो ये फॉर फ्यूचर आया पहली एंट्री में 6000 का, ये आया 800 शेयर का, और दोबारा सेल किया आपने 600, तो हमें ये 600 का ही चाहिए। तो निकालेंगे हम 6000 है 800 के लिए, जितने के लिए होता है डिवाइड और जो चाहिए मल्टीप्लाई इनटू 600, तो 4500। इसमें से जो कैपिटल रिजर्व में डाल रखा है उसे माइनस कर लो, और ये 2400 आप फॉर फ्यूचर में डाल दो सेकेंड रीइशू की एंट्री में डेबिट में, और शेयर कैपिटल में 610 के हिसाब से आ गया, तो 6000 में से 2400 लेस करके जो बचा हुआ 3600 है उसे बैंक में डाल दीजिए। अब दूसरा देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर 10 इज 7.5 कॉल्ड अप है, इसमें नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2.5। देखिए शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप के हिसाब से 800 × 7.5, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2.5 के हिसाब से नहीं मिली, टू शेयर फॉर फ्यूचर, बाकी का फॉर फ्यूचर हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला, आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइशूड 6 पर शेयर एज 7.5 पेड अप, 7 पेड अप मानते हुए 6 के हिसाब से रीइशू करें। तो रीइशू के एंट्री में जो पेड अप बोला जाता है वो शेयर कैपिटल के सामने आता है, 600 × 6 के हिसाब से बैंक में डालो 3600, 600 × 1.5 के हिसाब से फॉर फ्यूचर में डालो, और 600 × 7.5 के हिसाब से शेयर कैपिटल में डालो। अब देखो जो फॉर फ्यूचर किया वो 800 शेयर का, और जो दोबारा बेचे हो 600 है, तो 4000 / 800 × 600 3000 आ गए, इसमें से 900 लेस करके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इस एंट्री में आपने डाल दिया। इसी तरीके से ये थर्ड वाला केस हो जाएगा, 400 शेयर ऑफ 10 ऑन विच 8 हैड बीन कॉल्ड अप एंड 6 हैड बीन पेड, 400 शेयर है 10 का एक है, 8 मांगा है और 6 दे दिया, मतलब कि 2 नहीं दिया, ठीक है। शेयर कैपिटल में 400 × 8 3200, टू कॉल नैरियर, जितना नहीं मिला बाकी का फॉर फ्यूचर में चला गया। अब रीइशू केस में से 300 7 के हिसाब से फुली पेड मानते हुए, तो बैंक में 300 × 7, फॉर फ्यूचर में 300 × 3 और टू शेयर कैपिटल में 300 × 10, क्योंकि फुली पेड माना है। अब देखिए ये जो 2400 का फॉर फ्यूचर है 400 शेयर का, जबकि दोबारा 300 ही बेचें, तो निकालिए वर्किंग नोट में 2400 है 400 के लिए, तो 300 के लिए कितना होगा, यानी डिवाइड बाय 400 × 300, तो ये आ गया 1800। इसमें से ये डेबिट वाला 900 लेस कर दो और कैपिटल रिजर्व में डाल दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।